पिछले साल 2023 में भारत में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टेंसी में टीम को फाइनल तक पहुंचाया था, लेकिन 19 नवंबर ये वो दिन था जब भारत ओडीआई वर्ल्ड कप हार गई और एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या रोहित शर्मा का अब ये आखिरी विश्व कप था। लेकिन तमाम कयासों के बाद ये क्लियर हुआ कि T20 वर्ल्ड कप में रोहित ही कप्तानी करते दिखाई देंगे और ऐसा हो भी रहा है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या कप्तान रोहित शर्मा के इस मेगा टूर्नामेंट के बाद करियर पर विराम लगेंगे। इसका जवाब किसी और ने नहीं बल्कि खुद रोहित शर्मा ने दिया है। नमस्कार, मेरा नाम जूही और आप देख रहे हैं क्रिकेट केसरी। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग के बाद भारतीय टीम को ICC T20 विश्व कप में खेलना है। भारतीय टीम अगले महीने अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले T20 विश्व कप के लिए तैयारी कर रही है और रोहित शर्मा एक बार फिर भारतीय टीम की कमान संभालने के लिए तैयार है। विराट कोहली के बाद भारत की कप्तानी संभालने वाले रोहित ने कई सफलताएं हासिल की, लेकिन ICC ट्रॉफी जीतने में नाकाम रहे। इसी बीच रोहित ने एक इंटरव्यू में अपने करियर को लेकर बात की और बताया कि उन्होंने अपने जीवन में चढ़ाव से ज्यादा गिरावटें देखी हैं। रोहित ने कहा, मेरी यात्रा काफी शानदार रही है और 17 साल हो चुके हैं। मैं अब भी कुछ साल और खेलना चाहता हूं और विश्व क्रिकेट में प्रभाव छोड़ना चाहता हूं। अपने देश की कप्तानी करना बड़ी उपलब्धि है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं भारतीय टीम की कप्तानी करूंगा। लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। आपको बता दें, रोहित लंबे समय से भारतीय टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें कुछ साल पहले ही टीम की कप्तानी सौंपी गई थी। रोहित ने IPL में कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन भारत के लिए वो ICC ट्रॉफी अब तक नहीं जीत सके हैं। रोहित के पास पिछले साल भारत में हुए वनडे विश्व कप में देश को ट्रॉफी दिलाने का अच्छा अवसर था, लेकिन टीम को फाइनल में हार मिली थी और वो खिताब जीतने से चूक गए थे। रोहित के पास हालांकि T20 विश्व कप में एक बार फिर विश्व कप ट्रॉफी जीतने का मौका रहेगा। भारतीय टीम 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, वहीं 9 जून को पाकिस्तान के साथ खेलने उतरेगी। वहीं रोहित ने आगे कहा, जब मैंने भारतीय टीम की कमान संभाली तो मैं चाहता था कि सभी एक ही दिशा में चले, इसी तरह खेल आगे बढ़ता रहे। यहाँ निजी उपलब्धि या लक्ष्य मायने नहीं रखते, सभी 11 खिलाड़ियों का एक होकर ट्रॉफी जीतना अहम है। मैंने अपने जीवन में चढ़ाव से ज्यादा गिरावटें देखी हैं और एक इंसान के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ अतीत में देखे उतार के कारण हूँ। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।